आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। अभी हाथरस के आंसू सूखे भी नहीं थे और एक और बुरी खबर आ गई है। एक दिन पहले पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन हुआ था। पुरी में हर साल लाखों लोग रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। भगवान की एक झलक पाने और रथ का रास्ता पकड़ खींचने की होड़ होती है, ऐसे में वहां भगदड़ मच गई। मौके पर प्रशासन ने काफी मुशक्कत कर स्थिति को संभाला, वरना हाथरस जैसा हादसा हो जाता। फिर भी भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया है। रथ यात्रा के अवसर पर रथ को खींचने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। काफी ज्यादा भीड़ थी और गर्मी होने की वजह से घुटन के कारण कुछ लोग वहां बेहोश भी हो गए। जैसा कि हम जानते ही हैं, कुछ दिन पहले ही हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। यहाँ पर कथित एक बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए लाखों लोग आए थे। सत्संग खत्म होने के बाद कथित बाबा चला गया था और बाबा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई थी और यहाँ देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया था। महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायलों का इलाज अब भी चल रहा है। इसके बावजूद लोगों ने घटना से कोई सबक नहीं लिया है और इसके ठीक 3 दिन बाद ही टीम इंडिया विश्व कप जीतकर मुंबई पहुंची थी। टीम इंडिया की विक्ट्री परेड में लाखों लोग मरीन ड्राइव पर इकट्ठा हुए थे। तस्वीरें देख कर आप हैरान रह जाएंगे, पूरा मरीन ड्राइव लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां भी भगदड़ मच गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मौके पर बहुत सारे जूते चप्पल बरामद किए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग संयम क्यों नहीं बरतते, क्यों बार बार हादसों को निमंत्रण देते हैं। अभी हाथरस हादसे में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी वो विचलित करने वाली थी, भयावही थी। पुरी में भी कुछ ऐसे ही हुआ, वहां भी लोग सफोकेशन के कारण बेहोश हो गए। आखिरकार ऐसे हादसों को क्यों बार बार निमंत्रण दिया जा रहा है और ऐसे हादसे क्यों घटित हो रहे हैं और लोग क्यों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने को अपने से रोक पाते हैं।